पहली नाटरी निकली है अभी तक। यार इस होटल में मुझे बहुत डर लगता है, पूरा भूत बंगले की तरह है ना, अंधेरा अंधेरा। रात को निकलो इस, और ये जो इसके लिफ्टें हैं ना, एलिवेटर्स, वो भी खड़ा खड़ा करके नीचे जाते हैं बहुत तेज़, तो पता नहीं बहुत डर लगता है मुझे इसमें। बस दुआ करें कल चांद छूट जाए मेरी इस होटल से, परेशानी होती है मुझे। इन्होंने बोला आपको हम ऊपर, बहुत ऊपर कमरा देते हैं व्यू का, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाता पता नहीं अजीब सा लगता है, क्योंकि ये होटल मुझे रोशनी वाले होटल पसंद है जिनके कॉरिडोर में रोशनी हो, इसमें इतना अंधेरा है कि क्या पता। और बाहर बहुत अच्छा लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि कल ये होटल चेंज कर दूँ। अभी कपड़े देने जा रहा हूँ लॉन्ड्री वाले को, तो देने के लिए आप उनको बैग भर के दे सकते हैं, और ख़ुद भी जाके, सेल्फ सर्विस है तो ख़ुद भी जाके धो सकते हैं। तो लेकिन मेरे पास टाइम कम है, तो मैं लॉन्ड्री वाले को ही कपड़े दूंगा ताकि वो मेरे लिए कपड़े धोए। ये मोटी खातून ने जंप लगाया और ख़ुद ही हंसने लगी अपने ऊपर। ये यहूदी बहुत पैसे वाले हैं, उनके आप देखें इस टाइम। रोड से धुआं निकलते हुए देखें, इस तरह रोड से धुआं निकल रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, टावर्स। तो कभी बूढ़े नहीं होंगे भाई। का लोगो और यहाँ दफ्तर है इनका न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के करीब। पाकिस्तान पता नहीं पाकिस्तान का है या नहीं, लेकिन खाने के लिए मैं इधर आया हूँ। उसके पास ये आइटम है, चिकन करी और राइस, चिकन टिक्का विथ राइस। यहाँ इसने पाकिस्तानी, ये बांग्लादेश का है और इसने पाकिस्तान का लगाया हुआ है, रॉयल बिरयानी पाकिस्तान, जबकि ये है बांग्लादेश का भाई। तो गलत बिरयानी कर रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसको बदबू है इसके इधर से ना, बांस आ रही है। थोड़ा सा मैं करीब हूँ तो जो चीज़ें थी ना उससे थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, खट्टी स्मेल। ये भाई निकोला टेस्ला कॉर्नर, ये बैंक ऑफ चाइना, कितनी बड़ी बिल्डिंग है बैंक ऑफ चाइना की, न्यूयॉर्क 6th Avenue। बड़ा खूबसूरत सा चर्च नज़र आ गया है मुझे। शाम का पहर है अभी, टाइम्स स्क्वायर थोड़ा दूर है यहाँ से। पागल हो गया, सबसे लड़ रहा है ये लड़का।
जबरदस्त व्यू है। ये जो ज़मीन है ना, ये सिर्फ ज़मीन नहीं है, इसके अंदर भी एक नई दुनिया है। इसके अंदर बहुत सारा बड़ा जहान है। मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं और रेल गाड़ियां अंदर चल रही हैं। सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगें बनाकर इन्होंने अपनी मेट्रो और सबवे स्टेशन बनाए हैं, और ऊपर इमारतें हैं और नीचे ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है, और हमें पता तक नहीं चलता कि नीचे गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं। इसको कहते हैं अमेरिका और न्यूयॉर्क। 7th Avenue पे मैं आ चुका हूँ। इसके अंदर जो आवाज़ आ रही है ना भाई, ये मेट्रो ट्रेन जा रही है अंदर, मेट्रो ट्रेन। अपने लिए कुछ एक दो शर्टें खरीद करूँगा। यहाँ सस्ती शॉपिंग भी होती है और महंगी भी। जो चीज़ सस्ती मिलेगी लूँगा भाई। इस पे 50% की डिस्काउंट है। ये देखें शर्ट, तकरीबन कोई 25,000 की शर्ट है ये। बहुत महंगा ब्रांड है तोबा। ये भी 25,000 की सिर्फ ये शर्ट है। पोलो का ब्रांड बहुत महंगा, सबसे बड़ा पोलो का है। स्टोर कहें, आउटलेट ही कहें, वो यहाँ है। कपड़ों की कीमत को आग लगी हुई है। 25,000-30,000 से कम शर्ट मिल नहीं रही है। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, और मेरी साइज़ की तो मिल ही नहीं रही है। मीडियम साइज़, जिस चीज़ को पसंद करता हूँ मीडियम गायब, सिर्फ लार्ज पड़ी हुई हैं। देखें ना, बांग्लादेश की शर्टें हैं, इधर बिक रही हैं। पाकिस्तान की ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, कोई शर्ट मिल नहीं रही। चड्डियाँ भी महंगी हो गई हैं, इतना जुल्म। अब चलते हैं न्यूयॉर्क शहर के दूसरी जगहों पर। बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए मैं अब शॉपिंग मॉल से बाहर आ गया हूँ कुछ लिए बगैर। कितना रश है अभी। न्यूयॉर्क समेत अमेरिका में ना लॉटरी बहुत खेली जाती है। स्क्रैच करते हैं लोग, और लॉटरी बहुत सारे लोगों की लग जाती है, कुछ लोगों की नहीं लगती। तो मैं कोशिश करूंगा आज लॉटरी खेलूं, $10 की। देखते हैं कितने में कोई फ़ायदा पड़ता। $25 है। मैंने भाई $10 की ली और $25 जीते हैं। ये भाई ने कहा यार एक ही बचा है, आप ले लो। ठीक है, लकी वन, थैंक यू। गुड, ये तो निकालो ना। $25 जीत लिए भाई मैंने। पहली लॉटरी निकली है अभी तक।
$2 थैंक यू भाई $2 और अब 27 आप इंडिया से बांग्लादेशी हमारा भाई है भाई मैं पाकिस्तान भाई ये मेरा हाँ भाई अलहमदिल्ला आप ये मेरा थैंक यू भाई आपका नाम क्या मेरा नाम है ओसरो अच्छा भाई आप लकी हो यार आप निकाला फिर ये $2 निकले मजीद और वो है ना पांच है ना पांच बाकी नहीं थे सिर्फ दो अच्छा दो जीता दो हेलो $15 खर्च किए और उससे ज़्यादा कमा लिया $27 थैंक यू तो ये भाई आज छोटी सी लग लगी है देखते हैं क्या होता है अब आगे लग जाती है भाई कभी कभी वो खरबों रुपए की लॉटरी थी वो ले ली है मतलब $4-5 में वो लॉटरी ले ली और उसमें इनाम जो था वो तकरीबन $400 मिलियन का था अब देखें किसकी लग लगती है मगर लग जाती है अचानक वो लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं बेकार सा जूस है यार खामा खाम $10 खर्च कर दिया तो देखा कैसे बनाया इन्होंने पूरा बैठक अंदर गार्डन ये रेस्टोरेंट है बाहर है ये टर्मिनल है बड़ा बस टर्मिनल यहाँ का पूरे अमेरिका की बसें यहाँ से जाती हैं और इनकी देखें सड़क ही अलग है जो किसी भी चीज़ को डिस्टर्ब किए हुए बगैर अपने टर्मिनल पे आ जाते हैं और यहाँ से अपने टर्मिनल से निकल जाती हैं बसें दूसरी ट्रैफिक में गाड़ियाँ फंसती हैं ये इनके लिए रास्ता अलग बनाया हुआ अभी मैं जा रहा हूँ टाइम्स स्क्वायर की तरफ थोड़ा टाइम्स स्क्वायर को भी देखें बहुत दिन हो गए हैं टाइम्स स्क्वायर में नहीं गया हूँ अभी वहाँ जा रहा हूँ भाई अभी तक मैंने 15,227 स्टेप्स लिए हैं आज के दिन मैंने न्यूयॉर्क के अंदर 10 किलोमीटर पैदल घूमा हूं और 10 किलोमीटर घूमने की वजह से अभी मुझे बहुत शदीद पाँव में दर्द भी हो रहा है 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा का इस वक्त तक पैदल घूम चुका हूं मैं टाइम स्क्वायर पे पहुंच चुका हूं शाम का टाइम है बहुत बड़ी रौनक है हर तरफ से लोग आ ही जा रहे हैं यही है ये टाइम्स स्क्वायर का ये चौक ये चौराहा बहुत मशहूर है पूरी दुनिया से यहाँ लोग आते हैं घूमने सिर्फ इस जगह पे तस्वीर बन जाए तो टाइम्स स्क्वायर की अहमियत यह है कि इसके लिए कहते हैं कि ये कभी सोता नहीं है टाइम्स स्क्वायर नेवर स्लीप्स ये अब ये नीचे बंदा खड़ा है और इसका इश्तिहार यहाँ चल रहा है टाइम्स स्क्वायर जो है ना उसकी अपनी एक अहमियत है
वहाँ लोग बैठते हैं, देखें कितनी सूरज की रोशनी, इस वक्त वो बिल्डिंग चमक रही है शीशे की वजह से, लोग बैठे हुए हैं। इस स्कैम से भी बचा करें, ये भी लूटते हैं बहुत, ये साइकिल वाले, इससे कभी भी डील करें तो पहले इनसे बात करें, लेकिन ये लूट लेते हैं। अब इस लड़की के पास जो है वो नहीं है, पैसे नहीं है, कह रहा मैं लॉस एंजलिस जाना चाह रहा हूँ, एक प्ले कार्ड लेकर खड़ा है। इजिप्ट के लोग बहुत हैं यहाँ, फूड हलाल फूड की कार्ड लगा के बेचते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं अथेंटिक है, कुछ नहीं है, लेकिन इजिप्ट बहुत ज़्यादा उनके लोग हैं, इजिप्ट के जो यहाँ खूब हलाल फूड बेचते हैं। न्यूयॉर्क पे ना बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ लोग बैठ के बाल गिरने का मंजर देखते हैं। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा आता है। अब इतनी ऊंची बिल्डिंगों के नीचे खड़े होने का मज़ा ही कुछ अपना आता है। ज़बरदस्त रश होता है, लोग बैठते हैं, यहाँ से पूरा व्यू देख रहे होते हैं। सूरज ग्रुप हो रहा है, इसका मंजर देखें कितना खूबसूरत मंजर है सूरज का ग्रुप होने का। और इस टाइम्स स्क्वायर के अलावा बाकी कहीं आपको इतनी गहमा गहमी नज़र नहीं आएगी, इतना मज़ा नहीं आएगा जितना इस जगह पे है। और सारी रात बैठे रहें, मौज मस्ती करें, तो कोई आपको रोकता नहीं है, जबकि सिक्योरिटी और सर्विलेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये है न्यूयॉर्क का दिल, मैनहट्टन का दिल, टाइम्स स्क्वायर। और मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अल्लाह।